बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। इंडिया में किसी के पास नहीं होगी जो एशिया टेलीकॉम के पास है। अच्छा, एशिया टेलीकॉम मतलब ठीक है, पूरा समझ आया। और आपने ट्रेस किया? हाँ ट्रेस किया ना सर, पेट भर के थ्योरी क्लास होती है और पेट भर के प्रैक्टिकल क्लास होती है। पेट भर के होता है? पेट भर के सर, प्रैक्टिकल तो और ज़्यादा होता है सर। प्रैक्टिकल में तो पूरा सर, जितने भी स्टूडेंट हैं जब तक थक ना जाए तब तक होता है। हमको ये सब चीज़ें मालूम थी? कुछ नहीं पता सर, बैटरी टेम्परेचर का फॉल्ट आया तो कस्टमर को रिटर्न। थैंक यू वेरी मच। अभी तो नहीं रिटर्न जाएगा? अब तो कोई रिटर्न जा ही नहीं सकता सर, तो 100% है कि फ़ोन बनना ही बनना है। कोई फ़ोन भी रिटर्न, बैटरी टेम्परेचर कोई भी फ़ोन हो नहीं जा सकता। सारा उसका ट्रेसिंग भी किया, उसका लाइव ट्रेसिंग भी किया सर। लाइव ट्रेसिंग सीपीयू तक निकाल के किया सर, पावर ऐसी तरह की बात है सर, सीपीयू तक ट्रेसिंग। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त सर। अच्छा ये चीज़ पहले सर, क्या लाइव मतलब क्या? मैंने सारा लाइव मतलब जो कि एक आईसी के अंदर एंडलेस जो बोलते हैं जी, जैसे कि एंडलेस कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है जी, वो मुझे मालूम चल गया जी। एंडलेस किसको बोलते हैं और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है और कहाँ से शुरू होता है? अच्छा, मतलब ऐसा मतलब मिला, बहुत अच्छा मिला। लग रहा है सब बेस्ट लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इतना मतलब इस लेवल तक आके ना बहुत खुशी हुई कि यहाँ से हम लोग यहाँ तक आ गए। पाँचवा दिन है और यहाँ से यहाँ? हाँ सर, पाँचवा दिन फुल पैसा वसूल, टेंशन फ्री। हाँ, BSI बी थर्म की क्लास थी, पूरा एंडलॉस सॉल्यूशन किया है और अभी आके हमने शाम को प्रैक्टिकल किया सर के साथ, तो पूरा क्लियर है सर। पूर्ण रूप से सेटिस्फाई? हाँ बिल्कुल सर, हाँ सर। के साथ जो क्लास थी वो भी बहुत बढ़िया लगी। अच्छा। और प्रैक्टिकल में भी आज हमको पेट भर के मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मिला है। आज 10 बज गए, 10 बजे तक हमारी प्रैक्टिस चली है और बहुत बढ़िया लगा है। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा है। मैं तो कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं मत जाओ, सीधा एशिया टेलीकॉम में आओ, बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगा। और कहीं कुछ बनना है तो एशिया टेलीकॉम में आओ। त्यसको बारेमा सानो एउटा सानो पोइन्टबाट लगेर आइसीसम्म ट्रेसिङ गर्दै कहाँबाट पोइन्ट कहाँ जान्छ र कहाँबाट कसरी हामीले आइसीसम्म कसरी एन्डलेस तरिकाले कसरी काम गर्न सक्छौँ, कसरी समस्यालाई फटलाई कसरी समात्न सक्छौँ र कसरी त्यसको सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ भनेर सरले सिकाउनु भयो आज एन्डलेस तरिकाले। अनि त्यसपछि हाम्रो प्र्याक्टिकल क्लासमा चाहिँ सरले सिकाउनु भएको थियो, हामीले प्र्याक्टिकल्ली चार्ट बनाएर त्यसलाई ट्रेस गरेर अनि आइसी उठाएर आइसीको पोइन्ट वाइज चेक गरेर त्यसलाई फेरि त्यो आइसीलाई फेरि रिभल गरेर आइसीलाई लगाएर सेट चालु गरेर हामीले प्र्याक्टिकल पनि गऱ्यौँ। अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?
बिहार से हूँ। शुरुआत क्लास आज भी बैट थर्म और बैटरी और टेम्परेचर है टू लो सोल्यूशन और देव सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और समझ में आया। अब जो भी हो इस टाइप का प्रॉब्लम आसानी से हो जाएंगे। ऐसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ भाई, बिहार से आया? जी सर बिल्कुल। मेरा नाम प्रिंस और मैं बिहार से हूँ सर। आज हमारा बैटरी कनेक्टर का पूरा लाइन का सप्लाई का हमारा वो क्लास था, पूरा बैटरी आईडी बैटरी थर्मल सारा मैंने किया सर, सीपीयू तक ट्रेसिंग किया उसका निकाला कहाँ कहाँ लाइन जाता है। तो आपको एंडलेस नॉलेज मिला? बिल्कुल। सीपीयू वाइज पढ़ते हैं कि मॉडल वाइज पढ़ते हैं? नहीं सर, सीपीयू वाइज प्रोसेसर वाइज पढ़ते हैं सर। सारा उसका ट्रेसिंग भी किया, उसका लाइव ट्रेसिंग भी किया सर। लाइव ट्रेसिंग सीपीयू तक निकाल के किया सर। पावर एसी की बात है सर, सीपीयू तक ट्रेसिंग। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त सर। अच्छा ये चीज पहले हमको ये सब चीजें मालूम थी? कुछ नहीं पता सर, बैटरी टेम्परेचर का फॉल्ट आया तो कस्टमर को रिटर्न। थैंक यू वेरी मच। अभी तो नहीं रिटर्न जाएगा? अब तो कोई रिटर्न जा ही नहीं सकता सर, तो 100% है कि फोन बनना ही बनना है। कोई फोन भी रिटर्न, बैटरी टेम्परेचर कोई भी फोन हो नहीं जा सकता। मैं नेपाल से हूँ, आज हमारे क्लास देव सर के साथ थी बैटरी थर्मल और आईडी लाइन का, और हमने ट्रेसिंग फिर शाम को किया और ट्रेसिंग आईसी निकाल कर भी किया हम लोग ने। कैसा लग रहा है सर? सब बढ़िया लग रहा है सर। मतलब कोई अब कोई टेम्परेचर से रिलेटेड कोई फॉल्ट हमारा फंसेगा तो नहीं? नहीं सर नहीं। और देवरत्न सर से सुबह 11 बजे से अब लगभग 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक पढ़ाई कंटिन्यू, 6 से 7 घंटे तक एक बार में पढ़ाना और इतनी एनर्जी के साथ पढ़ाना। हमारी तो हालत 2 घंटे में ही ख़राब हो चुकी थी, सर ने हमें 10 मिनट का और ब्रेक दिया, उसके बाद फिर ऐसा पढ़ाया कि इतना एनर्जी भरा हुआ है सर में और इतना सारा नॉलेज एक व्यक्ति में। इतना सारा बता दो अभी टाइम क्या हो रहा है, जरा बताओ ये लो। अभी टाइम 10 बज रहा है, रात दस बज रहा है और हम लोग अभी उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो थ्योरी हुआ, उसके बाद बाकी एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम सारे मिल के हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। बट थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम बोल सकते हो, थैंक्स टू देव सर बोल सकते हो। थैंक्स टू देव सर और थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम सर। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। कैसा वसूल? यस सर कैसा कुछ? बड़ौदा में गाजियाबाद से हूँ। हाँ जी आज सर सुबह 11 बजे से हमारी देव सर की क्लास थी जिसमें वी वैट वी थर्म और बी एस आई की सर पूरी लाइन की ट्रेसिंग सर ने सिखाई थी हमें, उसके बारे में नॉलेज दी थी, उसी का हमने फिर शाम को प्रैक्टिकल भी किया। अच्छा। और अभी रात के 10 बजे सर अभी भी हम क्लास में हैं। क्लास में कैसा लग रहा है सब? मजा आ रहा है सर। है मजा आ रहा है सर, मतलब हर चीज का एंडलेस सॉल्यूशन मिल रहा है सर। अपन मॉडल वाइज करते हैं कि सीपीयू वाइज? सर सीपीयू वाइज है सर। हाँ जी आज की क्लास थी बैटरी कनेक्टर की, बैटरी कनेक्टर जो भी लाइन है और सारे पढ़ाई किया और बी एस आई बी टेक बी बेट इसका एंडलेस तक मतलब सोल्यूशन हमने पढ़ाई किया और प्रैक्टिकल क्लास में भी एंडलेस तक मतलब ट्रेसिंग किया पढ़ा बी बेट बी एस आई ये सब के बारे में। बाद में फिर हमने शाम को उसी चीज़ का प्रैक्टिकल किया कि कहाँ से कहाँ तक जाता है लाइन बी बेट के बी एस आई के पूरी एकदम आई सी लेवल तक हमने काम किया। मेरा नाम राकेश, मैं उड़ीसा से हूँ। आज का क्लास बी बैट का और बी एस आई और बी थर्म का क्लास था, वो दीप सर ने पढ़ाया बहुत अच्छी तरह से समझा दिया और मैं समझ गई, फिर भी प्रैक्टिकल भी किया वो भी समझ गई, जो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक था वो भी कंप्लीट हो गई। तो उड़ीसा से आया, पैसा वसूल हो रहा कि नहीं हो रहा? वसूल पैसे वसूल है सर। मैं कोटद्वार से हूँ, कोटद्वार उत्तराखंड से जी। आज बी एस एफ आई की क्लास थी और बी थर्म वी बैट की क्लास थी जी। सुबह देव सर ने पढ़ाया, शाम को हमने पूरा प्रैक्टिकल कराया, पूरी एक एक लाइन समझिए कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, आईसी तक का नॉलेज आया हमें जी। और अब कोई सा भी फॉल्ट आता है तो हम बना देंगे। अच्छा हाँ। और सीपीयू वाइज पढ़ाया जाता है यहाँ पर, ना कि फ़ोन वाइज कौन सा फ़ोन है, ओप्पो का है वीवो का है सैमसंग का है, इससे कोई मतलब नहीं हमको। सीपीयू से मतलब है? कुमार यूपी से। एक्चुअली आज जो हमारा देव सर के साथ क्लास था 11 बजे का, बी वेट बी एस आई आज बैटरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था उसका सलूशन जो ट्रिक बताया है सर बहुत अच्छा लगा वो सीख के। उसके बाद हमारा 7 बजे तक क्लास था, उधर आके इधर अपना लेब में आके हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, ट्रेसिंग किया, खुद डायग्राम बना के उसका ट्रेसिंग किया और सर डायग्राम बना के उसको मतलब हम लोगों ने एकदम सोल्व किया एकदम डीप लेवल में जाके। हमारा बैटरी कनेक्टर का क्लास था, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक जाकर एंडलेस सॉल्यूशन बताया। तो आपने उसको ट्रेस करा? हाँ ट्रेस फाइंड आउट करा, समझ में आया? सब समझ में आया। आई सी उठा के आपने कुछ नहीं किया एंड तक? देखा, मैं आसाम से हूँ जी। आज हमारी सर बैटरी कनेक्टर बी एस आई इसकी क्लास थी जी। सुबह सर प्रैक्टिकल थ्योरी हुआ, उसके बाद फिर शाम को प्रैक्टिकल हुआ,
पूरा लास्ट तक एंडलेस सॉल्यूशन दिया कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम। इसके ऊपर कुछ नहीं है? नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं है सर, पूरा खत्म। उसके ऊपर कुछ नहीं है सर, एंडलेस है सर, पूरा एंडलेस जितना लास्ट तक होता है। जहाँ BSI बी थर्म की क्लास थी, पूरा एंडलेस सॉल्यूशन किया है और अभी आके हमने शाम को प्रैक्टिकल किया सर के साथ, तो पूरा क्लियर है सर। आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई? हाँ बिल्कुल सर। हाँ सर, छत्तीसगढ़ से जी। आज सुबह देव सर के साथ क्लास थी, उसमें बैटरी कनेक्टर के बारे में पूरा बताया गया जी। हाँ, पूरा समझ आया। और आपने ट्रेस किया कुछ? हाँ ट्रेस किया ना सर, पेट भर के थ्योरी क्लास होती है और पेट भर के प्रैक्टिकल क्लास होती है। पेट भर के होता है? हाँ पेट भर के सर, प्रैक्टिकल तो और ज़्यादा होता है सर। प्रैक्टिकल में तो पूरा सर, जितने भी स्टूडेंट हैं जब तक थक ना जाए तब तक होता है सर। मैं यूपी से हूँ, आज देव सर के साथ BVAT BSI बी थर्म की क्लास थी, जो पूरे एंडलेस रिलीज लेवल तो समझाया गया कहाँ तक कहाँ जाती है। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल क्लास थी, मैंने प्रैक्टिकल क्लास में ट्रेसिंग किया, उसके बाद में चार्ट बनाया, उसका पूरा डायग्राम। एरर टेम्परेचर एरर की क्लास थी, जो हमें जो क्लास हमारी देव सर के साथ थी, उन्होंने बहुत ही निंजा टेक्निक से सिखाया। अच्छा। जो एक बार में ही बहुत कम ही समय में सीख सकते हैं। और फिर हमारी प्रैक्टिकल की क्लास थी जी, जो हमने एंडलेस ट्रेसिंग की जी, कंपोनेंट से लेके IC तक एंडलेस। इसके ऊपर तो कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सर। मैं महेश सिंह परमार, मैं गुजरात से हूँ। आज हमारे देव सर के साथ 11 बजे से क्लास चली है, 5 बजे तक 6 बजे तक, हाँ 7 बजे तक। और उसमें हमको बहुत बढ़िया सिखाया गया बैटरी कनेक्टर के बारे में, मोबाइल में बैटरी एरर, टेम्परेचर एरर क्यों आता है, कैसे आता है, उसके बारे में डीप लेवल में हमको समझाया गया। और VBAT और BSI के बारे में, पूरा ट्रैक के बारे में समझाया गया। और उससे हमको बहुत बढ़िया, एक मिनट में हम कहाँ से कहाँ कौन सा ट्रैक हम ढूंढ सकते हैं। अच्छा। और वो ट्रिक हमको बहुत बढ़िया लगी। और डेव से फीस बेस के तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल है। एशिया टेलीकॉम मतलब ठीक है, कनेक्शन है, वो सब के बारे में सिखाया। बाद में 7 बजे से हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी की, उसमें VBAT BSI वो सब हम लोगों ने ट्रेस की। कैसा लग रहा है ये सब करके? आप प्रो लेवल का आप नॉलेज कर रहे हो, IC उठा के पूरी लाइन सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अपना ट्रेसिंग कैसे करना, कहाँ पे क्या चीज़ शॉर्ट रहता है, वो सब चीज़ अपने को नॉलेज नहीं रहता है। बहुत लोग मतलब अपना IC को निकाल देते हैं, जो कुछ भी नहीं समझ में आता है डाइवर्ट कवर से उठा के देखते हैं, मतलब फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, उसका स्टेप बाय स्टेप होता है। तो 11 बजे से लेकर 7 बजे तक का मेरा ये अपना क्लासेस था, उसके बाद अपना 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरा प्रैक्टिकल था, हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिकल किया। कोई टाइम का बाउंडेशन है क्या? नहीं सर, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं सर, जरा सी देर में मतलब 8 बजे की घड़ी। नहीं सर, नहीं ऐसा कोई, जब तक 8 बजे तक का बोल रही है तो 10:15 बज रही तुम्हारी। जब तक सर आपको समझ में नहीं आ जाता, जब तक आपका पूरा डाउट क्लियर नहीं हो जाता, और जो प्रैक्टिकल मतलब बताया गया जब तक आपसे पूरा हो नहीं जाता तब तक मतलब तो चालू रहे। एक बच्चे से होता कि पूरी क्लास से? पूरी क्लास से होती है। 8 बजे के बाद हमारा हमने तो बता दिया, उसके बाद तुमने क्या करा? हमने प्रैक्टिकल क्या करा? हमने प्रैक्टिकल किया 7 बजे के बाद आके प्रैक्टिकल किया यहाँ पे, और पूरा एंडलेस तक हमने देखा है कहाँ से क्या होता है, पूरा IC तक जी सर। कैसा लग रहा है सब करके? बहुत अच्छा सर। हमारा BSI और BSI टेम्परेचर का क्लास था जी देव सर के साथ, और हमको उसमें BSI टेम्परेचर का एरर कैसे आता है वो सब बताया गया, और सर ने सबसे बढ़िया ट्रिक बताई, निंजा ट्रिक। अच्छा। हमको बहुत पसंद आई। अच्छा। और शाम के 6 बजे के बाद प्रैक्टिकल क्लास था जी, अभी तक चल रहा है। चल रहा है अभी, खाना खाने भी टाइम नहीं मिला। हाँ। अभी तक क्लास चल रहा है। हेलो, हाय, मैं नेपाल से राम राय हूँ। आज का टॉपिक था हमारा बैटरी कनेक्टर का, GPS लाइन कितना होता है, तो पूरा ट्रैक चेक करने के लिए कितना वोल्टेज किधर जाता है, कौन सा कंपोनेंट ट्रैक में लगता होता है, ये हम लोग थ्योरी भी पढ़ा है बहुत अच्छा से, देव सर ने समझाया बहुत बहुत अच्छा से, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी हुआ। प्रैक्टिकल में आपने मुझसे किया कि नहीं? आप बहुत बहुत मुझसे किया आपने? बहुत ड्राइंग उसमें ड्राइंग भी बनाया। और मैं नेपाल से हूँ। आज हमारी 11 बजे की क्लास थी, उसमें हमारा था VBAT और BPS और थर्मिस्टर की क्लास थी। उसमें हम लोगों को जितना भी उससे फॉल्ट आता है, बैटरी रोड, चार्जिंग रोड, उसमें सभी का इनलेस ट्रेस करने की नॉलेज मिली, और उसमें निंजा टेक्निक भी मिली।
अच्छा जल्दी से जल्दी उसको कैसे ट्रेस करें और फिर हमारा ये बताओ ये जो क्लास आपको देव सर से मिली है अगर इसकी जगह कोई दूसरा टीचर देता तो आपको समझ में आ पाता कि इतना क्लियर से इतना डेप में समझ में आ पाता दुनिया में कोई मतलब पूरे इंडिया में ऐसा कोई टीचर है जिसका डेप तो मैं पढ़ा सकता है आपको दूसरी पहली बात ये बताऊं मैं जब यहां पे आया था क्लास में तो देव सर को हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवा के छोड़ के आया था सर ने भी बताए थे सर जैसा जितना वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट थक जाते हैं पर सर नहीं थकते हैं कैसा लग रहा है भाई साहब ये बहुत खुश लग रहा है कि मैं यहाँ पे आके सीख के कैसा लग रहा है बहुत खुश लग रहा है फिर हमारी प्रैक्टिकल की क्लास थी उसमें हम लोगों ने 5 एकर मॉडल BSI की वोल्टेज की ट्रेस की इनलेस पॉइंट तक पावर IC निकाल के उसका पूरा एक एक पॉइंट चेक किया और इनलेस पॉइंट तक चेक किया चलिए ठीक है तो हम कोई मॉडल वाइज पढ़ रहे हैं कि CPU वाइज पढ़ रहे हैं CPU वाइज पढ़ रहे हैं ना हमको किसी मॉडल से कोई मतलब नहीं है नहीं, किसी मॉडल से कॉलकम हमको कॉलकम से मतलब है हमको सैमसंग से मतलब है हमको MTK से मतलब है हमको स्नैपड्रैगन से मतलब है मॉडल से कोई मतलब नहीं मॉडल से पढ़ाई होती नहीं सर पूरा चलिए ठीक है ये सब करके कैसा लग रहा है बहुत खुश लग रहा है चलिए ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू सर मेरा नाम बाला मैं महाराष्ट्र गोंदिया से हूँ सर आज हमारी देव सर के साथ बैटरी कनेक्टर्स की क्लास थी सर बैटरी कनेक्टर में कितने पॉइंट होते और कितने कनेक्शन होते वो सब पूरा डीपली और एंडलेस तक नॉलेज देव सर की क्लास में हुआ उसके बाद प्रैक्टिकल में आए उसका एक एक पूरा लाइन ट्रेस करके देखे एंडलेस तक मतलब IC की बॉल पॉइंट तक और CPU के बॉल पॉइंट तक सर पूरा CPU उतार के और पावर IC उतार के उनको पॉइंट भी ढूंढे कैसा लग रहा है सब करके बहुत अच्छा अब इसके ऊपर कुछ है क्या नहीं CPU भी उतार दिया पावर भी उतार दिया इसके बाद कुछ है क्या उसके ऊपर तो जन्नत है चलिए ठीक है ऑल द बेस्ट यस मेरे साथ एक और स्टूडेंट है आदित्य राज मैं बिहार से हूँ सर आज हमारी 11 बजे से बैटरी कनेक्टर और PSI की क्लास थी देव सर के साथ और हमने बढ़िया से सीखी सर और फिर हम 7 बजे से हम लोग का प्रैक्टिकल था प्रैक्टिकल में सर अभी तक प्रैक्टिकल चली नहीं है सर सर बढ़िया सब कुछ सीखे सर रात के 10 बज रहे सर अभी तक एंडलेस हो रहा है सर कैसा लग रहा है आदित्य सब चीजें क्लास हो गई कॉलेज में भी इतना कोई पढ़ाता था क्या नो सर है नो सर इतना सब तो डिसिप्लिन और कॉलेज में भी सब कोई पढ़ाता था नो सर वो पढ़ाई का जमाने याद आ गए ना यस सर 8वीं 9वीं 10वीं के यस सर ठीक है थैंक यू वेरी मच मेरे साथ एक और स्टूडेंट है नमस्ते मेरा नाम तारा रका मैं नेपालबाट आज हाम्रो क्लास 11 बजेबाट 11:30 बजेबाट स्टार्ट भएको थियो देव सरले हाम्रो क्लासमा देव सरले ब्याट्री कनेक्टरबाट लगेर ब्याट्री कनेक्टर प्लस त्यसमा युज हुने भिभ्याट VSI भिथम त्यसको बारेमा सानो एउटा सानो पोइन्टबाट लगेर IC ट्रेसिङ गर्दै कहाँबाट पोइन्ट कहाँ जान्छ र कहाँबाट कसरी हामीले IC कसरी इन्डलेस तरिकाले कसरी काम गर्न सक्छौँ कसरी समस्यालाई फटलाई कसरी समात्न सक्छौँ र कसरी त्यसको सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ भनेर सरले सिकाउनु भयो आज इन्डलेस तरिकाले अनि त्यसपछि हाम्रो प्र्याक्टिकल क्लासमा चाहिँ सरले सिकाउनु भएको थियो हामीले प्र्याक्टिकल्ली चार्ट बनाएर त्यसलाई ट्रेस गरेर अनि IC उठाएर IC पोइन्ट वाइज चेक गरेर त्यसलाई फेरि त्यो IC फेरि रिभल्भ गरेर IC लगाएर सेट चालु गरेर हामीले प्र्याक्टिकल पनि गऱ्यौँ बहुत खुसी लगेगा इंडिया में किसी के पास नहीं होगी जो एशिया टेलीकॉम के पास है